सो दोस्तों, क्या हाल है आपका? फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक हस्बैंड की आंखों में एक वाइफ को अपनी वैल्यू कैसे रखे, अपनी वाइफ अपने आप को कैसे वैल्यूएबल बनाए। तो दोस्तों, मेरा पहला पॉइंट ये रहेगा कि किसी भी वाइफ को खुद अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमेशा अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, कोई भी औरत अपने लिए नेगेटिव बोलने लग जाती है, अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करती है। सो अगर वो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो उसकी रिस्पेक्ट कौन करेगा? सो किसी भी औरत को खुद पहले अपनी रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। जब वो अपनी रिस्पेक्ट करना सीख जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका हस्बैंड भी उसकी रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर देगा। तो किसी भी औरत को हमेशा अपनी रिस्पेक्ट करनी सबसे पहले जरूरी है। सो दोस्तों, मेरा दूसरा पॉइंट ये रहेगा किसी भी औरत के लिए कि जब वो अपने चेहरे पर स्माइल रखेगी, हमेशा स्माइली फेस रखेगी, तो उसका हस्बैंड भी उसके लिए रिस्पेक्ट करेगा, उसके लिए वैल्यू करेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हस्बैंड बाहर से आता है या कुछ भी रखता है तो उसके चेहरे पे गुस्सा होता है, तो उसके लिए उसकी भावना भी चेंज हो जाती है। तो कभी भी किसी भी औरत को अगर ये चाहिए कि उसका हस्बैंड उसको वैल्यू दे, तो पहले उसको अपने ऊपर काम करना होगा। जब वो अपने चेहरे पर स्माइल रख और स्माइल से अपने हस्बैंड को ट्रीट करेगी, तो उसका हस्बैंड उसको वैल्यू हमेशा देगा। सो मेरा थर्ड पॉइंट ये रहेगा किसी भी वाइफ के लिए कि वो चाहती है कि अपने हस्बैंड से उसको वैल्यू मिले, बट उसको सबसे पहले अपने आप को वैल्यू देनी होगी। जब वो अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट कर देगी तो उसके हस्बैंड भी ऑटोमेटिकली उसको वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई हस्बैंड किसी काम के लिए बोलता है किसी वाइफ को, कई बार देखा गया है कि एकदम वो किसी चाय के लिए या पानी के लिए बोलता है, तो उस समय वाइफ क्या करती है, अपने काम को छोड़कर एकदम उसके काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप अपने आप को वैल्यू दोगे तो दूसरा भी आपको वैल्यू देगा। अगर आप उस टाइम पे कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को पूरा कीजिए और अपने हस्बैंड को बोलिए कि 5 मिनट रुके, 10 मिनट रुके, जो भी उसको आपका टाइम लगे, तो वो टाइम उनकी वैल्यू समझाए उनको कि इस टाइम में जो काम कर रही हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं आपका काम करूँगी। अगर इस तरीके से करती है, अपनी वैल्यू समझती है और अपने आप को वैल्यू देती है, तो अपने आप आपका हस्बैंड भी आपको वैल्यू देना समझ जाएगा और वो भी आपके टाइम की अहमियत जरूर समझेगा। सो मेरा फोर्थ पॉइंट ये रहेगा किसी भी वाइफ के लिए, जब वो अपने हस्बैंड से वैल्यू चाहती है तो उसको सबसे पहले अपने हस्बैंड को स्पेस देना होगा। कई बार क्या होता है, हस्बैंड कहीं बाहर से आता है या जॉब से आता है तो एकदम उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसको बोलती है कि तुम ये काम करो, वो काम करो, ये खराब है, वो खराब है, ये करो, वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलने लग जाती है, जिसकी वजह से हस्बैंड गुस्सा होने लग जाता है। तो उस समय क्या करना चाहिए, किसी भी वाइफ को अपने हस्बैंड को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। जब कहीं बाहर से आए तो हस्बैंड को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, रेस्ट देने के लिए टाइम देना चाहिए, उसको पानी के लिए पूछना चाहिए, पानी देना चाहिए, चाय के लिए पूछना चाहिए, चाय देनी चाहिए। या कभी भी हस्बैंड आता है तो अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाता है, तो हमेशा ये नहीं कह देना चाहिए कि आते ही वहीं जाके बैठ गए, मेरे पास नहीं आई, मेरे से नहीं पूछा, मेरे से बात नहीं करी, तो ये नहीं करना चाहिए। किसी भी हस्बैंड को थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है। सो दोस्तों, मेरा पांचवा पॉइंट, किसी भी वाइफ को अपने हस्बैंड को भी वैल्यू देनी चाहिए। जब वो वैल्यू चाहती है अपने हस्बैंड से तो अपने हस्बैंड को भी वैल्यू देनी चाहिए। जब वो कुछ नया क्रिएटिव करने की सोचे तो उसको उसका साथ देना चाहिए, उसको और रिस्पेक्ट देनी चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कि तुम ये काम कर सकते हो, ये काम और भी अच्छा कर सकते हो। जब हस्बैंड को लगेगा कि मेरी वाइफ मेरे को वैल्यू देने की कोशिश कर रही है और मेरे को वैल्यू मिल रही है और मैं इस काम के लिए अप्रिशिएटेड हो रहा हूँ, तो उस टाइम पर हस्बैंड भी अपनी वाइफ को आगे बढ़ने के लिए चांस देता है और उसको भी वैल्यू देता है। मेरा छठा पॉइंट दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब कोई औरत अपने घर में अकेली रहती है तो ज़्यादातर वो खाली रहती है, कुछ काम नहीं करती, टीवी के आगे पड़ी रहती है या फ़ोन पे लगी रहती है, तो ऐसे कुछ काम नहीं करती है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो खाली रहेगी तो उसके हस्बैंड को भी उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। उस टाइम पर क्या करना चाहिए, तो किसी ना किसी काम में वाइफ को अपने आप को बिजी रखना चाहिए, कहीं खाना बनाने में या कुछ क्रिएटिव करने में या कुछ नया सीखने में। तो हमेशा अगर वो अपने आप को बिजी रखेगी तो वो खुद अपनी वैल्यू भी समझ पाएगी और अपने हस्बैंड को भी ये बता पाएगी कि मेरे में भी कुछ बात है, तो हस्बैंड भी उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार होगा और उसको आगे बढ़ने के लिए, और उसको अप्रिशिएट करेगा और उसको वैल्यू भी देगा। सो हमेशा किसी भी औरत को अपने आप को बिजी रखना चाहिए, ना कि खाली रखकर अपने हस्बैंड को बोरियत महसूस कराए। सो दोस्तों, मेरा सातवां पॉइंट है, इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि हस्बैंड कुछ नया काम करने की कोशिश करता है और उसको नए काम करने में अच्छा लगता है,
तो उस टाइम पर वाइफ को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जब वो कुछ नया काम कर ले या कुछ ऐसा नया कर ले कि बच्चे को सुला दिया, खाना खिला दिया, या घर में कुछ और नया पौधा लगा दिया, उस पौधे में पानी डाल दिया, या घर बाहर कचरा फेंकाया, तो उसके उस काम के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि वाह क्या तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने आज इतना अच्छा काम किया तुमने। छोटी छोटी बातों पर अगर वाइफ अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करती है तो हस्बैंड को लगेगा कि हाँ ये मेरी रिस्पेक्ट करती है और मेरे को वैल्यू दे रही है, तो उसी टाइम में वो भी यही सोचेगा कि मैं अपनी वाइफ को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करूँ, कहीं ना कहीं उसको वैल्यू दूँ। तो हमेशा अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करना चाहिए, तो अप्रिशिएट करेंगे तो आपको भी वैल्यू मिलेगी। सो मेरा लास्ट पॉइंट क्या होता है दोस्तों, कई बार कोई हस्बैंड कुछ काम करने की कोशिश करता है और उस काम को करते समय वाइफ कुछ ना कुछ उसको एडवाइस देने की कोशिश करती है, जब वो एडवाइस देती है तो हस्बैंड को उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता है कि ये मेरे को फ्री फंड की एडवाइस दे रही है। तो किसी भी वाइफ को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने हस्बैंड को कभी भी फ्री फंड की एडवाइस नहीं देनी चाहिए, फालतू की एडवाइस नहीं देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एडवाइस नहीं देनी चाहिए। ज्यादातर औरतों का यही रहता है कि वो अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ एडवाइस देने की कोशिश करती है, अगर हस्बैंड कोई इलेक्ट्रिक काम कर रहा है या कुछ घर में कुछ नया काम कर रहा है या कुछ बना रहा है या कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम पे वाइफ सोचती है कि मैं उसको कुछ ना कुछ एडवाइस दूँ, जो मेरी एडवाइस अगर वो मानेगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा, तो उस टाइम पे हस्बैंड चिढ़ जाता है उस बात से। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी भी वाइफ को अपने हस्बैंड को एडवाइस नहीं देनी चाहिए, तो हस्बैंड को लगेगा कि ये मेरे को कैपेबल समझती है, मेरे को ये समझती है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो वो उस काम को और भी अच्छे से कर पाएगा अगर उसको एडवाइस नहीं मिलेगी। सो दोस्तों जो रिलेशन हमारा है, मैरिज रिलेशन, ये बहुत ही पवित्र रिलेशन है, तो इस रिलेशन को हमेशा कायम रखना चाहिए। ये छोटे छोटे टिप्स है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं और इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि एक वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो इसको शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक करना मत भूलिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, बट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरीके की बहुत सारी वीडियो आपको आगे भी मिले तो बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए। सो नमस्कार दोस्तों।